दगड़ियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और मैं किले बोल दूं कि जखनी जालो की और बच जालो पुनः गांव की ओर और जी बात नहीं कर दो और बात कर दो पुनः गांव की ओर। आज मैं बात कर लूं ढोल सागर की। ये उत्तराखंड आंदोलन में जब सब लोगों को ये हम लोग हमारे ढोल आगे थे, बिल्कुल सब लोग हमारे ढोल नगारे आगे थे, बिल्कुल सबको नौकरी मिली और हमारे बिल्कुल यही बात मैं कर जा रहा हूँ। संस्कृति माँ द्वी चीज हमेशा अग्नि दिन एक ब्राह्मण देवता और एक हमारा औजी भाई लोग और संस्कृत को अहम हिस्सा। लेकिन आज ये को अगर मान सम्मान नहीं बोलूँ तो करके काम चलूँ। भाई प्रणाम आपको। नौके जी भाई जी कोलमदास है। कोलमदास जी आप गाँव में कार्यक्रम कल लगनो आज आपने बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से लगनो। हाँ आज दोस्तों एक बात में और इस ढोल देखिए ढोल सागर के सामने मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग आज मैं चाहता हूँ मैं क्या काफ़ी लोग चाहते हैं कि जो इस काम को कर रहे हैं और जिन्होंने ये विषम परिस्थिति में इसको छोड़ा नहीं है ऐसे लोगों सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके जो हमारे ढोली भाई है उनके जो कुछ अनुदान मंत्री जो है जिसको बोलते हैं ये वो होना चाहिए। तो ऐसी बात बोलो ना आप। हाँ गुरुजी ऐसा है कि ये उत्तराखंड आंदोलन में जब सब लोगों को ये हम लोग भी हमारे ढोल आगे थे, बिल्कुल सब लोग हमारे ढोल नगारे आगे थे, बिल्कुल सबको नौकरी मिली और हमारे बिल्कुल यही बात मैं कर जा रहा हूँ। इसीलिए जो हमारे लोग ये जो परंपरा ये संस्कृति ये छूटते जा रहे। तो यही है दोस्तों संदेश हमारा। देखिए अगर संस्कृति बचानी है तो हमारे जो संस्कृति को बचाने में सबसे आगे जो भी चीज़ रहती है जो इंसान जो सोच रहती है उसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे लोग छोड़ देंगे। और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग सबसे आगे थे और हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं किया, यही बात है ना। तो चले यही बात बोला करना आप लोग, हम आपकी बात को इसी हमारा मिशन यही है। तभी गांव बचेंगे जब हमारे जो ये दो चीज बचेंगी तो हमारा ये हमें कुछ मिलना चाहिए हमारे बच्चों को हमें भी मिलना। बिल्कुल हम भी उत्तराखंड आंदोलन रहे आगे आगे हमारा ढोल जाता था पीछे पीछे हमारे साथ जनता जाती थी उस समय हम आगे थे और आज हम पीछे हैं ये तो बड़े दुर्भाग्य। यही तो पर तुम लोग बोल क्या पाते हो, अब हम तुम्हारी बात हम बोलेंगे। तो एक दिन दोस्तों हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कुछ ढोली भाई के साथ में एक और सच में ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति बचाने के काम करे अगर हमने उनके लिए कुछ अनुदान नहीं दिया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो छोड़ देगी, फिर ना बारात सजेगी ना ढोल बजेंगे और ना जो वो आनंद आएगा। हम बैंड बाजे में नाचते हैं डीजे में नाचते हैं लेकिन दोस्तों वो आनंद नहीं आ पाता है और ढोल बजते हैं हमारे हाथ पाँव तो थिरकने लगते हैं और देश विदेश में बैठ के लोग बैठ बैठ कमरों में बंद कमरे रोने लगते हैं जब उन्हें अपने गाँव याद आती है। अब तुम अपने गढ़वाल नहीं बोलो, गढ़वाल यहाँ नहीं बोलो, गढ़वाल भूल गए ना तो चक्कर में गढ़वा भूल गए। हाँ तो चला आप जी छा बहुत होगी भैया तुम्हारी बात मगने पोछोला ठीक छा और तब जाए तो कुछ काम बोल लूँ। जय गौ माता।